नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। गाजियाबाद थाना ट्रोनिका सिटी में अवैध बालू खनन कर ला रहे ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में बाइक सवार सुंगरपुर के गाँव के एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये हादसा रात करीब 10 बजे सुंगरपुर गाँव के बीचों बीच हुआ। युवक लोनी की ओर से जा रहा था, जबकि ट्रैक्टर ट्राली पचरा यमुना खदरा से अवैध बालू खनन कर ला रहे थे। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली व चालक को गिरफ्तार कर दिया है। जी, आपका नाम? जगदीश है जी। ये जो एक्सीडेंट जो हुआ है, क्या मामला पूरा? मामला ये है जी, हमारा भाई है, एक परिवार का भाई है हमारा, वो कुंडली से आ रहे थे ड्यूटी करके। अलीपुर गाँव निकलते ही इधर से रेत के ट्रैक्टर चले रात को, जो कि रॉन्ग साइड ट्रैक्टर आ रहा था और नाइन बिगड़ लाइट के आ रहा था और आमने सामने की टक्कर हो गई उनकी। ये किस चीज़ पे थे तुम्हारे भाई? मोटरसाइकिल पे है जी। जी, फिर क्या हुआ? फिर जी एक भाई का हमारे एक्सपायर हो गया और एक के गंभीर चोट लगी हुई है। अब आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से चाहते हैं जी हमारे भाई को जो है इंसाफ मिले और ये जो अवैध खनन चल रहा ये रुकना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, किसके संरक्षण में हो रहा है ये अवैध खनन? ये जी अब ये प्रशासन ही चला रहा, और कौन चला रहा जी? और बताओ कौन चला रहा है?